नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी जो फॉल्ट सेंड किया गया था मैंने सेम फॉल्ट वैसे ही डाल दिया। ऊपर से ऐसी आ रही है और नीचे से ही आ रहा है। देखिए मैं अभी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सही हो गया और ये ख़राब हो गया। ये देखिए 7 नंबर पिन पे थ्री पॉइंट सिक्स वोल्ट है और 1 नंबर पे भी 3.6 वोल्ट है और 2 नंबर पे देखिए 26 और आपका 6 नंबर पे देखिए सप्लाई इसकी है और 3 नंबर पे भी वोल्टेज देखिए प्रॉपर है और इसकी 5 नंबर पिन पे जो 5 नंबर पे आउटपुट है वोल्टेज प्रॉपर है और पिक्चर हमारा ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है नेगेटिव से और यहाँ पे भी 12 वोल्ट आते हैं, ये भी ओके है। ठीक है, तो यहाँ लगभग सारे वोल्टेज ओके हैं। हम अगर यहाँ का कैपेसिटर चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और यहाँ का कैपेसिटर चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी यहाँ का कैपेसिटर चेंज करेंगे तो भी नहीं जाएगी ये डायोड पे भी नहीं जाएगी। इसका फॉल्ट जो आता है तो वो ऊपर 4-5 लाइनें आएंगी तो ये यहाँ से इधर हो गया। ये 5 नंबर पिन की जो पिन है आउटपुट इससे रिलेटिव है। यहाँ से इनपुट हुए 50 हर्ट्ज और यहाँ से ये आउट हो जाएगा इसके लिए योक कॉइल के लिए। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 220 ओम। अगर ये रेजिस्टेंस फॉल्ट होगा तो आपका ये फॉल्ट बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और ये हटा दिया तो देखिए ये फॉल्ट क्रिएट हो गया। ये सर्विस मेनू से भी होता है मगर ये वाला फॉल्ट जाएगा नहीं सर्विस से। तो ये यहाँ के तो ये रेजिस्टेंस ख़राब या हाई वैल्यू हो रही होगी या लो हाई हो रही होगी या ख़राब हो रहा होगा और या ये कैपेसिटर, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो बस ये इतना सा ही फॉल्ट था।